एलन फोर के कृत्रिम हाथ लगाने के शिविर के सफलतापूर्वक करने के बाद शनिवार को रोटरी क्लब भिलाई ग्रेटर की तरफ से दो स्कूलों में आंख व डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में बच्चों का चेकअप किया गया। इस प्रकार के आयोजन रोटरी क्लब भिलाई ग्रेटर द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इस आयोजन के बारे में रोटरी क्लब भिलाई ग्रेटर के अध्यक्ष मधुर अग्रवाल एवं सदस्यों एवं उपस्थित डॉक्टरों ने पूरा टाइम्स को कुछ इस तरह से जानकारी दी। क्लब भिलाई ग्रेटर के द्वारा आज शासकीय गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेहरू नगर में हमने डेंटल और आई चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, और उसी के तहत हमने नेक्स्ट दीप पूजा स्कूल में भी हमने यहाँ पे डेंटल कैंप का एक एक्सटेंशन किया है, जहाँ हम टोटल 170 से 180 बच्चों के आसपास बच्चों को डेंटल कैंप का सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेहरू नगर में 70 बच्चों का चेकअप हुआ है, जिसमें डेंटल और आई दोनों शामिल हैं, और दीप पूजा स्कूल दुर्ग में करीबन 100 से 125 बच्चे हैं जिनका डेंटल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, और फिर उनके उनको क्या बोलते हैं रुंगटा कॉलेज में, वहाँ पे उनकी जो भी जो उनको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे उनका इलाज के लिए भेजा जाएगा। हम लोग रुंगटा डेंटल कॉलेज की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के फैकल्टीज और पीजी स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंप करने आए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कैंप किया नेहरू नगर प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे लगभग 70 बच्चों के दांतों के इलाज हमने किया, जांच की, और लगभग सभी बच्चों में कुछ ना कुछ छोटी कुछ ना कुछ बड़ी दांतों की प्रॉब्लम देखने मिली है, जिसका कि उचित इलाज उनको हमारे रुंगटा डेंटल कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद फिर रोटरी क्लब के साथ ही हमने फिर यहाँ पे दीप स्कूल आदित्य नगर में फिर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ भी अब बच्चों की जांच शुरू है। लगभग 2 बजे तक हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जांच आज कंप्लीट कर लेंगे। अभी ऑनगोइंग में हमने स्टार्ट किया, अभी 40 की लगभग जांच कर ली है, और भी 3-4 क्लासेस हैं, तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है 120-130 बच्चों की दांतों की। बच्चों को हमने यहाँ पे ओरल हाइजीन के इंस्ट्रक्शन दिए, कैसे ब्रश करना है, कैसे अपने मुंह की सफाई रखनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, और दूसरा कि जो तकलीफ आती है उसको बताना है। जब शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो बच्चे छुपा जाते हैं, क्योंकि दांतों की समस्या आती होती है, जब तक दर्द नहीं होता तो पता नहीं चलता है। बट हमने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको ऐसा लगता है कि दांत में खाना फंस रहा है, दांत पीले दिख रहे हैं, तो आप बताइए, उसके इलाज की आज बहुत अच्छी सुविधाएं हैं सब जगह, और हम लोग निःशुल्क सुविधा देते हैं। हमारे पास आइए रुंगटा डेंटल कॉलेज में, हमको इलाज की सुविधा। यहाँ पे हमने करीबन 70 बच्चों का चेकअप किया है, और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों की आँखें एकदम ठीक हैं। कुछ 15 बच्चों की आँखों में हल्का चश्मा का नंबर, एक बच्चे की आँख में आँखों का तिरछापन, थोड़ा पर्दे की परेशानी, ये सब चीज़ों का चेकअप किया है। इनका आगे चेकअप करने के लिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया है अपने, और उनके अगर चश्मे के नंबर निकलते हैं तो उसके आगे हिसाब से हम चश्मा नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे। बच्चों में सबसे जो कॉमन परेशानी होती है वो उनका चश्मे की परेशानी होती है, जो क्योंकि बचपन में बता नहीं पाते हैं उनको साफ से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से हम घर में ये देख सकते हैं कि वो आँख ज़्यादा मींच के तो नहीं देख रहे हैं, आँखों में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आँख ज़्यादा मसल रहे हैं, या उनसे आँखों से पानी ज़्यादा निकल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि शायद उनकी आँखों में शायद चश्मे का नंबर होगा। दूसरी चीज़ होती है टीवी ज़्यादा देखना, ज़्यादा मोबाइल पास से देखना, ज़्यादा देर तक देखना, उससे आँखों में जोर ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना होता है घर में। कोई आँख में धूल मिट्टी से एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना होती है, उसे आँखों में लालीपन हो जाती है, पानी ज़्यादा गिरता है, किसी किसी को आँख से पस जैसा निकलता है, तो वो परेशानी बहुत कॉमन होती है, खास करके अभी जब विंटर्स होती हैं या फिर उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये परेशानी बहुत कॉमनली मिलती है। तो उसमें खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आँखों से पानी ज़्यादा निकलता है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ती है बच्चों की, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आँख और दांत का चेकअप हुआ था, अच्छी तरह से दांत और आँख का चेकअप हुआ था। हाँ, आप ठीक है बोले।